मैं निहारिका पांडे शासकीय प्राथमिक शाला लावर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मेरा नवाचार है स्वयं उपस्थिति चार्ट। मैंने विगत 14 वर्षों जब से मैं अपनी शिक्षा की शुरुआत की है तब से देखा है कि बच्चों की उपस्थिति स्कूल में बहुत कम थी। बच्चे आते भी थे तो लेकिन रोज नहीं आते थे। कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो कभी कोई और कारण, तो कभी किसी छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए अपने भाई बहन की वजह से। और मेरे यहाँ जो एक और बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे पलायन में चले जाते। एक समय विशेष होता है जैसे धान कटाई वगैरह हो जाता है, बच्चे पलायन में चले जाते थे, तो उनकी अनुपस्थिति बहुत ज्यादा रहती थी जिससे पढ़ाई में बहुत ज्यादा बच्चे पिछड़ जा रहे थे। इस को देखते हुए मुझे लगा कि बच्चों की उपस्थिति कैसे बढ़ाई जाए और बच्चे को स्कूल में आने से कैसे मतलब उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो मैंने अपने कक्षा कक्ष में एक सेल्फ अटेंडेंस चार्ट लगाया है जिसमें बच्चे स्वयं आके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। मैंने बच्चों के फोटोग्राफ्स के साथ उनके नाम लिखे और पूरे माह भर उनकी उपस्थिति उसमें अंक अर्जित करवाई। और जो बच्चे पूरे माह भर उपस्थित रहते थे उन बच्चों का और लास्ट में पूरे अटेंडेंस को काउंट करके उनको, जिनकी 100% उपस्थिति रहती थी उनको एक छोटा सा इनाम देना शुरू किया। या उनकी केस में मैंने 3P पे काम करना शुरू किया, प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा और पुरस्कार के रूप में। तो जो बच्चे ज्यादा उपस्थिति थे उनके फोटोग्राफ्स भी वॉल में लगाने शुरू किए और उनकी मम्मियों को भी सुघर मातारी नाम देके उनकी मम्मियों का भी फोटो साथ में। तो ऐसे में माताओं को जब स्कूल में बुलाया गया पीटीएम के उनके फोटोज लगे देखे तो मम्मियां भी बहुत जागरूक हुई और उनको लगा कि हमारा भी फोटो क्यों नहीं लगता, हमारे बच्चे भी क्यों नहीं आते। तो बच्चे में भी उत्साह हुआ, बच्चे भी स्कूल आना शुरू किए, मम्मियां भी साथ साथ उनका रुझान बढ़ा, उपस्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और बच्चे पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगे। मम्मियों जो समुदाय था उनका भी समाज में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और समुदाय का जो रवैया था स्कूल के प्रति वो बदल गया। उन्होंने शिक्षकों को सम्मान देना शुरू किया और हमारे स्कूल का जो पूरा वातावरण था इसके बाद बदल गया है और बच्चे पूरे दिन उपस्थित होते हैं। अभी ऐसा हो गया कि चेचक की स्थिति है तो बच्चे उस चेचक की अवस्था में भी स्कूल आ जा रहे हैं। मेरे यहाँ भी उपस्थिति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। धन्यवाद। मैं एक और कहना चाहूंगी कि मुझे लगा कि हम समस्याओं पे बहुत बात करते हैं तो मुझे मैंने ये सोचा कि हम क्यों एक ऐसा हिस्सा बने कि समस्याओं पे बात करने से बेहतर है हम समाधान का हिस्सा बने। और मैंने समाधान के हिस्सा बना के अपने आप को इस पे अपने नवाचार को रोक दिया। धन्यवाद।